हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेंट फैक्ट्स। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन सभी भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है। आज ही के दिन 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। यह दिन हमें हमारे संविधान के विभिन्न मूल्यों की भी याद दिलाता है, जो भारत के सभी जाति और धर्मों के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तो बिना देरी किए आइए जानते हैं 26 जनवरी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। हमारे संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट किया था। ये संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 1930 को इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। भारतीय संविधान की एक हिंदी और एक इंग्लिश कॉपी प्रेम बिहारी नरेन रायजादा द्वारा हाथ से लिखकर तैयार की गई थी, जिसे अब हीलियम से बने केस में संसद भवन की लाइब्रेरी में रखा गया है। 1955 से परेड के लिए राजपथ फिक्स कर दिया गया था। इससे पहले 1950 से 1954 तक परेड की जगह बदलती रही थी। लाल किला, नेशनल स्टेडियम और रामलीला ग्राउंड में इससे पहले परेड होती थी। राजपथ पर हर झांकी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की बहुत धीमी रफ्तार से चलती है, ताकि लोग झांकी को अच्छी तरह देख पाए। गणतंत्र दिवस ही वह मौका होता है जब भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। इसमें कुल मिलाकर 448 आर्टिकल्स हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।